मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान के महादेवा उप क्षेत्र के हकाम चौक के समीप गुरुवार की सुबह 3 बदमाशों ने अखबार लाने वाली गाड़ी के चालक से चाकू के भय पर 1800 रुपए की लूट कर ली। लूट कर भाग रहे तीनों बदमाशों में शामिल एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं दो बदमाश फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार बदमाश के पास पुलिस ने लूट गए 1800 रुपए एवं चाकू को बरामद कर लिया। पीड़ित दरौंदा थाना क्षेत्र के सवान विग्रह निवासी राजेश कुमार सिंह ने महादेवा ओपी में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मैं बोलेरो पिकअप का एक अखबार पहुंचाने वाली गाड़ी का चालक हूं। गुरुवार की सुबह जेपी चौक पर अखबार देकर मीरगंज जाने के लिए निकला था। जब मैं हकाम चौक के पास पहुंचा तो तीन बदमाश गाड़ी रोककर मुझे नीचे उतार दिए और चाकू का भय दिखाते हुए मेरे पॉकेट से 1800 रुपए एवं लाइसेंस छीन लिया। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट भी करने लगे। इसी बीच पुलिस की गाड़ी आ गई तो तीनों बदमाश भागने लगे। भागने के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया तथा दो बदमाश भाग गए। मामले में ओपी प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौका टोला ओरमा निवासी प्रद्युमन कुमार सिंह है। उसके पास चाकू एवं लूट की राशि को बरामद किया गया है। न्यूज़ इन तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।